नमस्कार दोस्तों, सीएससी भीली अपडेट में मैं साहिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारा आधार कार्ड खो गया है, हमारे पास आधार नंबर नहीं है, तो हम अपने नाम से अपना आधार नंबर कैसे पता कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि अगर हमारा आधार कार्ड खो गया है और हमें अपना आधार नंबर याद नहीं है और हमें अपने नाम से अपना आधार नंबर कैसे पता करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपके पास पहुँचती रहे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम जोनेक्स टेक्निकल है। इस पर मैं YouTube से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, YouTube पे वीडियो कैसे अपलोड करना है, चैनल कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे बनाना है, लोगो कैसे बनाना है, पैसा कैसे कमाना है YouTube से, ये सारी जानकारी मैं इस चैनल पर देता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए इसे सब्सक्राइब करके। तो यहाँ से हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने गूगल ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमें अपने नाम से अपना आधार नंबर कैसे पता करना है। तो यहाँ पे गूगल पे आपको टाइप करना है UIDAI। इतना टाइप करने के बाद आपको यहाँ से सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पहले नंबर पे वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहां पे इस वेबसाइट पे आने के बाद यहां पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता हो आप वो लैंग्वेज यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इस तरह का डैशबोर्ड जब हमारे सामने ओपन हो जाएगा तो यहाँ से हमें माई आधार वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से आधार सर्विस जो लिखा है, यहाँ पे आधार सर्विस वाले सेक्शन में यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है रिट्राइव लॉस्ट फॉरगॉटन या जो लिखा हुआ है EID UID, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे कैप्चा अभी शो नहीं कर रहा है तो हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। अब इसमें हमें दो चीज़ यहाँ पे दे रहा है, पहले नंबर पे हमें आधार नंबर का ऑप्शन दे रहा है और दूसरे नंबर पे एनरोलमेंट आईडी। अगर हमें आधार नंबर यहाँ से चाहिए तो हम यहाँ पे आधार नंबर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें एनरोलमेंट आईडी को पता करना है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। तो हमें आधार नंबर यहाँ पे पता करना है तो हम आधार वाले सेक्शन पे टिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटर मोबाइल नंबर या फिर इंटर ईमेल एड्रेस। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में ईमेल एड्रेस लिंक है तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हम यहाँ से कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे OTP जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें अपनी OTP फिल करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही हम OTP फिल करेंगे उसके बाद हमें यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा, योर आधार नंबर। यहाँ पे आपका आधार नंबर का 4 अंक शो करेगा और यहाँ पे इस सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसका मतलब ये कि आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका जो आधार नंबर है वो आपको सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे मोबाइल पे मेरा आधार नंबर आ चुका है। अब यहाँ से मेरे मोबाइल नंबर पे मेरा आधार नंबर आ चुका है। आधार नंबर जब हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा तो फिर से हमें यहाँ पे माई आधार वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से डाउनलोड आधार वाले सेक्शन पे आके यहाँ से हमें यहाँ पे जो डाउनलोड आधार दिया हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम
यहाँ से हम अपना आधार नंबर और कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी करके हम यहाँ से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर हमारा आधार कार्ड नंबर नहीं पता है हमें, तो हम अपने नाम से अपना आधार नंबर पहले जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद हमारे मोबाइल पे हमारा आधार नंबर सेंड कर दिया जाएगा। उस आधार नंबर से हम अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।